मतलब ये थोड़ा सा और मीडिया लड़ जाऊंगा नहीं क्यों नहीं होने तो ये गिरा होने तो दुगैत का ले जाना है सोरे ये मान लेते अब आते न पकड़े मैं वो थानू डाली दो तो मान लो काम सही हो बीस सोरी तो एक बिंजसी काम हो चुकी है सोरी वी को नहीं दान देखा सटर तारा अरे तेरे दिख रही है ना सामने दिख रही है तेरी बी के बाद भी पुलिस हथियार नींद ले रही है रोटी खा रही है सब ऐस कर रही है लेकिन हमें चोर चाहिए और ये पूरा प्रशासन यहाँ से हटना चाहिए चोर ही दाम 25 चोरी हुई बिंजासी के मान तो मुकदमा तो दर्ज 7-8 ही करी 25 इसलिए कौन करा 25 दर्ज कर ले मैं थानेदार पर प्रेशर रह की बागो डिस्पोजल किया करा अब कोई भी नहीं रोक पाएगा कंप्यूटर अनुदेशक बनने से फ्लिकी लाया है QR कोड की शानदार ट्रिक अभी डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप और ऑनलाइन पढ़ें राम राम साथियों मेरा नाम है महेंद्र और थे देख रहे हो जलको सिकर पर अपना बहुत बहुत स्वागत है आज आप पहुंचे हाँ दो जो थानो है जो पुलिस स्टेशन है और अठे गांव का जगह ही धरनू दे रखे धरनू के बदन दे रखे या पीछे लगा रखे की दो क्षेत्र में जो चोरियों के खिलाफ जो पुलिस की जो कार्रवाई है वह बहुत ही ढीली है ये कह रही तो आज आप जाना की आखिर किस समस्या हुई है की कौन कौन प्रकार की चोरी हुई है और खटे खटे कहीं कहीं चोरी हुई गई साल का मैं चार जगह गुमार तुरगोमा को अना रिपोर्ट दर्ज करा दी गुमार को दानू मिलियो को नहीं मैं चोर पकड़िया 32 ट्रेन तुर्की बार गए मैं जो रोड पर प्लाट में अगर रिपोर्ट दर्ज करा दी खटें की बात है खटें दोध की बात ही हाँ दोध के मान दोध नहीं तो गुमार तुरगो चार दिनों को और 32 तुर्की ट्रेन भी पेट्रोल पंप का करने लाया शिकर सूताई यहाँ था और दिन गया मान लो कोल्ला दी अन रिपोर्ट दर्ज करा दी और कोई सुनाई को नहीं कम से कम मान लो 10 मिनट पहले की बात है थाने के लग रखे चाह रहे हैं क्यों हम तो दाम कमावे हैं बस चोर ही जगह अन दी दाम ए मान लो के कष्ट कर रहे की सुने अन तो जेब भर दिए के मैं खोद काट चार कोई रिपोर्ट और पकड़ी जाए ढूंढा मैं पकड़ू कौन जाना कि मैं आ जाओ 10 साल ही आखिर क्या चाहो कि मैं तो आता हूँ हाँ कि कोई यहाँ की कार्रवाई नहीं रह जाए पुलिस वाला की मान लो तुम बन पकड़ी चोरन न पकड़े मैं थानू डाली दो तो मान लो काम सही हो मतलब ये थोड़ा सा और मीडिया लड़ जाऊंगा नहीं क्यों नहीं होने तो गिरा होने तो दुगैत का ले जाना है सोरे ये मान लेते अब आते हैं सब एकता उसी ने कोई नहीं क्यों को नहीं हुए बैठे पकड़ लिया सर अठे मजबूर मान ही लिया पड़े पुलिस प्रशासन ने सारी चीज बता दी है चोर है लोकेशन है सारी चीजा फोटो कैमरा में कैद करवा दी गाड़ी दिखा दी पुलिस ने सारी चीज बता दी बी के बावजूद प्रशासन कुछ भी एक्टिव को नहीं हो तो थारी जी की एक जी पूरी थे डिटेल में बताओ कि थारी कटे दुकान है कहीं चोरी हुई है कि कद की बात है ग्राम बिंजासी में सियोट बड़ी रोड पर दुकान है 12/11/2021 में चोरी हुई जी 8.5 लाख रुपए की चोरी हुई मौका पर पुलिस गई पुलिस ने सारी गाड़ी की लोकेशन दिखा दी सारी चीज मैंने बता दी लेकिन बी के बाद भी पुलिस 7 दिन को 8 दिन को 4 दिन को टाइम देता रहा कुछ भी को नहीं करो पुलिस ने थानेदार जी ने फोन कराना तफ्तीश रंगलाल जी कर रहे हैं रंगलाल जी ने फोन कराना मैं छुट्टी पर हूँ आज स्थिति तो प्रशासन की है सबसे मुख्य मांग तो मैं क्या है कि अठा को जो प्रशासन है वो बिल्कुल हटना चाहिए दोबारा चोरी की पुलिस ने मैं फोन करो 7:50 पर मैं गई दुकान पर तो दुकान का ताला टूटा पड़ा पुलिस ने मैं फोन करो पुलिस 2 बार फोन करो 3 बार करो ना चौथा फोन करो ना मैंने आखनी पड़ी मजबूर और पुलिस ने कहे थे चाय पी रहा हो या बरात में मेरे बच्चा की बरात में थोड़ी जा रहा हो जो थे बड़े टाइम लगा रहे और तंदार दो रानो है आज तो पुलिस की स्थिति है यहाँ ठे थाना की जब आज 1 घंटा बाद में पूछा मौका पर गया चोरी हुई को नहीं दान देखा सटर ताला अरे तेरे दिख रही है ना सामने दिख रही है तेरी कुछ भी है नहीं हालत है पुलिस थाना की पुलिस ने आ भी कही है कि थे 2:57 बिंदासी गाड़ी निकली है टाटुना रोड सीकर जाती हुई तो थे को पीछो करो ने तो थे इन्हें 1 घंटा में बरामद कर सको गाड़ी ने लेकिन पुलिस ने मां की यदि थे नहीं जावला आगे पीछे तो मैं थाना मावला दंड दिला बी के बाद भी पुलिस हथियार नींद ले रही है रोटी खा रही है सब ऐस कर रही आज स्थिति है जी अठे थाना कब से बैठे हो काल से बैठे 20 चोरी तो एक बिंजसी काम हो चुकी है एक गाँव में एक चोरी का भी पुलिस ने खुलासा नहीं किया अभी तक हम तो ये मानते हैं कि पुलिस प्रशासन मिला हुआ इस गैंग से लिखित में हमें नहीं मिला रात को डिप्टी साहब आए तो उनको कहा हमने लिखित में दे दो हम चले जाएंगे उन्होंने कहा 7 दिन में कर लेंगे वो थानेदार जी ने 2 साल से हमें कह रहे हैं अभी ये दूसरा शब्द ये सुनना पड़ रहा हमें कि जैसे मान लो हम कर्मचारी हैं तो आप आज मीडिया वाले आपको निकाल देते हैं कल दूसरे मीडिया में चले जाओगे आप तो पुलिस अधिकारी तो बदलते रहते हैं कि मेरे को थाने में आने के बाद तो चोरी हुई नहीं 3 चोरी हुई
उन्होंने पूछा आपकी तीन में से एक का खुलासा किया तो नहीं हुआ, तो बताओ क्या करें। लास्ट में हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम आंदोलन करेंगे, या धरना देंगे, वो शांतिपूर्ण देंगे, राज की गाइडलाइन में देंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन हमें चोर चाहिए और ये पूरा प्रशासन यहाँ से हटना चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। अब ये बताओ मेरी दुकान से 12 लाख रुपए की चोरी हो गई, तो मैं तो 12 साल में नहीं कमा सकता 12 लाख रुपए। तो सर अभी तो 8 लाख बताए थे ना, 8 लाख तो पहले हो गई, दोबारा हो गई नहीं मेरी दूसरी चोरी, एक ही दुकान पर दोबारा हो गई, ये मेरी सेकंड चोरी है। 12-11 को चोरी हुई थी, 11-11 को रात को, 12-11 को मुकदमा दर्ज है, वो 8-8.5 लाख रुपए की चोरी थी, आज और 5 लाख रुपए की चोरी हो गई, तो मैं बताओ ये कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा, मैं मजदूरी थोड़ी करना छोड़ू। दो गहने की चोरी हुई थी, उसका पति है वो तो बाहर विदेश में कमाता है, और करीबन 8 लाख रुपए का कीमती सामान था गहने का, और कुछ नकदी भी थे, वो वहाँ से चोरी करके ले गए, और जो गहना रखना जो बॉक्स था उसको वहाँ से 2 किलोमीटर दूर फेंके गए। उसी में भी पुलिस 2-3 बार वहाँ जाके आई, उन पीड़ित परिवार से पूछते हैं कि आपको किसी में शक है, हमें बताओ हम पकड़ के लेंगे, वो कौन पे किस में शक करेंगे, मतलब उसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ। मेरा नाम रघुनाथ शर्मा है, मैं मुकुंदपुरा को हूँ, पेवा का सारा गांव है मुकुंदपुर, और मेरे खेत है जाचास रोड के ऊपर। बिकमाई 30 तारीख ने रात में चोरी हुई, मेरे कुआपरू टूबेलपुरू लेकर के केबल 600-700 फुट का लगभग तो केबल ही, और कम से कम एक मोटर ही, और 14-15 टूटी, और स्टार्टर के साथ में लेकर के चला गया। अब गाड़ी आई, गाड़ी खेत के बारे की साइड पर रख करके और माल लेकर के चले गया। नहीं अभी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, हुरी है, ऑनलाइन चर्ची, बिके बाद में देख चेक आई उसी, क्यों यहाँ दिन प्रतिदिन में चोरी होती रही है, हर गांव के में चोरी हो रही है। पुलिस वाला यहाँ सोचे कि चलो हो रही है तो हो रही है, ठीक है कोई बात को नहीं, थोड़ा दिन में कहीं उसी की हर घर में बला चीज देना चाहिए, पुलिस वाला कोई सचेत उसी। जब से ये थानों स्थापित हुए है, लोगों की एक बहुत बड़ी विकट समस्या देखभाल मिल रही है, वह है चोरी की। पिछला 6 महीना के मान प्रत्येक गांव, एक भी गांव में को बचेड़ों को नहीं हुई जगह के मान चोरी चकारी नहीं हुई सी, लेकिन छोटी मोटी चोरी हुए ना काश्तकार आ देखे 2-5 हजार रुपए की 10 हजार रुपए की चोरी, आप पुलिस वाला गन जासिया ना बैठे आप टाइम खराब कर सर, आपा ने की न्याल तो करे को नहीं, आ एक मानसिकता होगी पुलिस के प्रति कि न्याल तो करे को नहीं। जब बड़ी बड़ी चोरी उबा लाग गई, 5-5, 7-7, 10-10 लाख रुपया तारी का दुकानों में सामान की चोरी उबा लाग गई, ना लोग जागृत होगी थाना के माने, कोई ना कोई रूप से कानून के दायरा के मान आए कि कानूनी मदद लेवा, ताकि आपने वो सामान बरामद उसके चोर को कोई खुलासा उसके चोर पकड़ा जाए। बड़ा दुख के साथ कहना पड़े है कि दो थाना की पुलिस और दो थाना के साथ साथ मैं तो पूरा आरोप लगाऊं सीकर की पुलिस इस चोरी का मामला मत नाकारा साबित हुई है कि पिछला 6 महीना 12 महीना में कोई भी चोरी की यार की बड़ी घटना हुए जबकि को खुलासा करे हुए और देखभाल को मिल रहे, और दो थाना के मान तो स्पेशली जता भी है मुकदमा दर्ज करवाया, दो थाना को इंचार्ज आके कह दो कि 25 मुकदमा दर्ज या 5 को मैं खुलासा कर दियो तो मैं संतुष्ट हूँ, जैसा एक भी चोरी का मुकदमा को खुलासा कौन करो, इससे ज्यादा विडंबना की कोई बात को नहीं, उसके कोई एक दिन की बात को नहीं, कंटिन्यू चोरी चल रही है, और एक महीने की जगह चोरी हुई कंटिन्यू, एक बार चोरी हुई तो फिर बाद में दोबारा चोरी हुई है। आज से 2 महीना पहले मैं कम से कम 100-150 जना बैठा और अठे थाना कमाए ज्ञापन दे बनाया थानादार जी ने, जना थानादार जी मन के 7 दिन को टाइम दियो, 7 दिन कमाए मैं ये चीज को खुलासो कर, 7 दिन को टाइम निकल गो, थानादार जी कोई एक्शन कर लियो, कोई बात को नहीं, बात ठंडा अवस्था में गारगी, आज जकी बात सुनना की थान चोरी बता रहे अभी फार लाग गई। दूसरी बात आज जकी चोरी हुई अठू गया मौका पर बुलाया बठे जा रहे देख खड़ा और अठे तो चोरी हुई एडी को नहीं चोरी नहीं एडी है जना मैं ठिकाने बनाया, मतलब अतुल इतना लिचले लचीलापन है इनका कि सोचने वाली बात है। पिछली चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी जबकि सोना की चोरी हुई ग्रामसू भी का सीसीटीवी फुटेज भी मैंने दिया है, जबकि पहली बार भी दुकान में चोरी हुई वह सीसीटीवी फुटेज भी दिया है, बार काल चोरी हुई भी का सीसीटीवी फुटेज भी दिए। प्रशासन की एक ही विडंबना था ना मैं बताऊं, एक फौजी कोई बापड़ो हरिद्वार जा रहे हो भी की फोटो ले ली रात में, 13 दिन तक थानादार जी आवे फोटो दिखाओ ओ चोर है, चोर ने पकड़ लियो में, वो फौजी आपका काम गियो बिचारो 13 दिन तक अच्छी तरह ध्यान हो, अच्छी तरह ध्यान हो तो बिन जार पकड़ लेता भी पूछताछ करता, 13 दिन तक भी फोटो क्यों ले रहे बैठे रिया, तो आ तो आ की अठे यहाँ को तो प्रशासन लगा रखी है। बिंजेसी गांव का
दो बार लगातार आंकी दुकान में चोरी की वारदात हुई। चोरी दुकान जो पीछे मतलब लोग लगाड़ा, सेंटर लोग लगाड़ा, साइड में लोग लगाड़ा। बिंजासी में एक ही दुकान? हां, बिंजासी कॉर्नर पर मेन मार्केट में। वे बाद में जो वन तोड़ से लोग ने सब नीचे माने जूतों के कीमती सामानों ने वसो ले गया। मैं कह रहा हूं सेंटर बाजार को मेन मेन 400 ऊपर आइटम का जो उठा ले गया। मतलब ओनली सिर्फ नकदी की को नहीं और ये सामान भी ले जा रहे हैं। तीन बार रिपोर्ट लिखा दी, रिपोर्ट लिखी को नहीं, नेट में चोटी को नहीं, मैं जाऊँ बता कर चेक करा बात ले लिए। पुलिस वाला एक हथकंडा अपना रखे है, गुमशुदगी की एक रिपोर्ट हुआ है जबकि सिर्फ रजिस्टर में दर्ज करे मीन भी के बाद में कोई भी कदे पकड़ो जाए तभी कभी सारा मंड दे कि हाँ भाई थार लो भी लेगो फलानू लेगो फलानू लेगो मुकदमा दर्ज कर ले। ये थाना के मान 25 मुकदमा 25 चोरी हुई बिंजासी के मान ते मुकदमा तो दर्ज 7-8 ही करी 25 इलिए कौन करया 25 दर्ज कर ले। मैं थानेदार पर प्रेशर रहे की बागुन डिस्पोजल किया करा 25 में ऐ पार लगा दे तो लोग कोर्टम भी चला जाए कि चोरी हुई है। मार्किन सीसीटीवी फुटेज है, मार्किन एविडेंस है, चोरी तो मारा हुई है, चोर नहीं पकड़े गए उसी। चोर पकड़वा की जिम्मेदार तो पुलिस की है लेकिन ऐ पार लगा दी है बिन झूठी फर्द पाई गई ये करके थानेदार आपको फिर तो छुटा ले और फाइलों को डिस्पोजल कर दी। मेरी 26 दिसंबर को के बिंजासी से जस्ट रोड पे जमीन है, उसमें जो सिंचाई करने के बाद फुहारा पाइप टूटी होते हैं वो 26 दिसंबर को रात को छोड़ ले गए। मैं 27 को इधर उधर घुमा ने 28 को मुकदमा दर्ज कराने आया। 12 बजे मैं थाना में आ गया, थाने में जिसकी ड्यूटी थी उसको बोला तो उसने कहा आप हमारे नई साल लग रही है, आप मुकदमा दर्ज मत कराओ, आप 2-3 दिन बाद में आके करा देना, हमारे टारगेट में जुड़ता है। तो मैंने कहा आपके तो टारगेट में जुड़ता है, मेरे खेत से सिंचाई बंद है वो किसके टारगेट में होगी, फसल तो बन रही है, पाइप टूटी रात को चोर ले गए। हमारे तो गाड़ी की लोकेशन आ रही है आपके गाँव की, रात को आपके गाँव में थी हमारी गाड़ी, तो या तो चोरों को ये पहले भेजा वहाँ पे क्या हमारे और आप चोर चोरी करके ले लो या साथ लेके गए। भाई ये कहते हैं आपके रात में चोरी हुई है, रात को गाड़ी की लोकेशन हमारे थाना की आपके बिंजासी आ रही है, तो किस लिए खड़े हैं वो बिंजासी में? फिर बोला थानेदार जी से बात कर लेना, मुकर गई है रिपोर्ट के लिए। थानेदार जी 1.5 घंटे के बाद में आए तो थानेदार जी ने बोला कि आपके खेत की रखवाली हम नहीं कर सकते, खेत की रखवाली आप ही करो। तो मैंने कहा सर मैं कोई पशु जानवर से रखवाली नहीं रोकता हूँ, आप चोरों की रखवाली तो कर सकते हो, इसलिए मेरे को एफआईआर की नकल दो। और फिर रात को 7 बजे मेरे को एफआईआर की नकल दी लड़ने के बाद में, बोले नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा मैं आपके पास दोबारा नहीं आऊंगा, मैं सीधा एसपी साहब के पास भेजूंगा। तो रात को 7 बजे उस सर्दी में एफआईआर की नकल देकर मेरे को भेजा यहाँ से, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। ये पुलिस प्रशासन कई बार रिपोर्ट कर दी लेकिन ये रिपोर्ट दर्ज कर ली, कागज अगला रहेगा आपको फाइल में लगा ली, कोई जानकारी को नहीं करी, बिल्कुल भी सीरियस नहीं बनी। वो फन के लगे अब मतलब थे जो धरने दुबे का दे रखे बियो कोई सुनवाई हुई थोड़ी बहुत या फिर नहीं सुनाई उसी में क्या पहन दस कलेक्टर दस एस बी दस क्यों नहीं उसी सुनाई? अरे ये स्टाफ यहाँ बिल्कुल नाकाम है, डेढ़ महीना तो कहता रहा भाई तड़के पकड़ लिया तीनों पकड़ लिया 5 तीनों को 7 दूर को बोगरा डेली 5 आदमी 2 आदमी 7 आदमी कभी भी गए पार लगा शिकर बेदी बैठे आदमी जब वह पार लगावा कोई कोर्ट में केस कर जब उन कोर्ट में केस कर दी और फाइल में पेश कर दी जब आप तारीख कणा दे कोर्ट आदेश कर सी मैं दूसरा मन कुं को विश्वास है बिन तफ्तीश हुआ दी और फिर चालू कर दिया ये थाना इतना आदमी है। देखिए इसमें थाना स्तर पे स्पेशल टीम गठित की हुई है और जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम है उसके भी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं और उच्च अधिकारियों को निर्देशन में इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं, जल्द से जल्द वारदात का खुलासा कर देंगे। आपको खेण है कि टाइम दे दे पुलिस लेकिन कुछ ही करेगा नहीं तो आप ये कितनी चोरी हुई उसका डाटाज तो एक्चुअली थाने से पता करना पड़ेगा। बाकी जैसा ये लोग बता रहे हैं कि पहले इनपुट भी दिए थे उसके बाद में नहीं हो पाए और पर्टिकुलर फाइल का विषय है कि तो उसमें किस वजह से वो मुलजिम नहीं बन पाए। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को लगता है कि यही मुलजिम है लेकिन पुलिस तफ्तीश में वो नहीं हो पाता, यदि मुलजिम है तो डेफिनेटली उसको बनाते ही है। उनको देखिए कल श्रीमान डिप्टी साहब भी यहाँ पधारे थे और उनको आश्वासन भी दिया था कि हम बहुत जल्द खुलासा करेंगे, उन्होंने लगभग 7 दिन की एक समय अवधि चाही थी। कल कुछ काफ़ी लोग सहमत भी हो गए थे उसके बाद आज पुनः लोग बैठे हैं। पुलिस मेरी तरफ से तो यही कहना है कि हम पूरा प्रयास करें और जल्द से जल्द खोल देंगे बात। तो साथियों आज का वीडियो पर तरीके रहा है और अगर थाने आसपास में कोई एक ही घटना हो रही और तो लग रहा है कि पुलिस काम नहीं करे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और देख करो हल्को सीखकर अगर चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन में बिल भी दबा दो। मिलेगा कोई अगले वीडियो को मान तब तक के लिए राम राम सर।